नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं पिछले कुछ सालों से रिसर्च इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। हम अब तक क्लाउड कंप्यूटिंग कवर कर चुके, मशीन लर्निंग को कवर कर लिया हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, और अभी रिसेंटली हमने वायरलेस सेंसर नेटवर्क का पूरा सीरीज अपलोड किया हुआ है। एक पूरा लेक्चर है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का, ये दो पार्ट्स में है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स और उसके पैरामीटर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो मुझे खुद को बहुत पसंद है, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे ये ना कहा हो कि हम इस चीज के ऊपर लेक्चर बनाए। आपके कमेंट्स बताते हैं और आप लोगों के फोन कॉल्स बताते हैं कि मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितना अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे। आज हम ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि अब हम जानते हैं, हमारे लेक्चर सीरीज का ट्रेंड जो रहता है कि मैं पहले बेसिक्स बताता हूँ कि क्या है, क्यों है। तो आज हम जानेंगे कि एक ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारे पास क्या मुद्दे होते हैं, क्या उसमें हमको करना पड़ता है। जब ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम स्वर्म इंटेलिजेंस की बात जरूर करेंगे। ये वर्ड सुन के आप में से बहुतों के चेहरे पर स्माइल आई होगी, तो इसे पढ़ाते हुए मुझे भी उतनी खुशी होगी जितना आपको इसे पढ़ते हुए होगी। मुझे कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। सौरभ सर, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं समझ में आ रहा। सौरभ, हमें फिटनेस फंक्शन नहीं समझ में आ रहा। फिटनेस फंक्शन क्या होता है, कैसे डिजाइन करते हैं? तो आज ये सारा कुछ हम देखेंगे हमारे इस लेक्चर में। हमें आप इसको पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, मेरी बातें सही लग रही हैं, ऐसा कुछ लगता है कि ये बातें जो है आपके नॉलेज को कंट्रीब्यूट करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं, मिनट भर का काम है, और हमें इस चीज में मोटिवेशन मिलेगी। ठीक, तो लेक्चर को पूरा देखो, एंजॉय करो। जो लोग मुझे जानते हैं कम्मा गणी, जो मुझे नहीं जानते दुआ सलाम। चलो आज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं। चलो जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप ऑप्टिमाइजेशन को देखने जाओगे ना, कई जगह पे यहाँ पे एस लिखा रहता है और कई जगह पे यहाँ पे जी लिखा रहता है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, जब आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हो तो ऑप्टिमाइजेशन रेफर करता है इस चीज को कि जब आप अपने करंट स्टेट को बेटर करो। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि किसी भी चीज को घटा दो या किसी भी चीज को बढ़ा दो। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है एक ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में। ये तो डिमांड के ऊपर हुआ ना कि किसको किस तरह की डिमांड है। अगर किसी को कुछ घटाने की डिमांड है तो हम मिनिमाइज करेंगे, अगर कुछ बढ़ाने की डिमांड है तो हम मैक्सिमाइज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल कि इफ अ पर्सन इज इन पेन, उसको दर्द हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें वहां ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करनी हो तो ऑब्वियसली मैं उसका पेन रिड्यूस करूंगा, अप नहीं करूंगा। ठीक है, इन द सिमिलर फैशन अगर मैं स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट की बात करूं और वहां मुझे कोई ऑप्टिमाइजेशन पॉलिसी लगानी हो तो मैं स्टॉक मार्केट के ही जो हमारी मैं इस तरह की कोई लॉजिक लगाऊंगा, इस तरह का कोई मैकेनिज्म लगाऊंगा कि मेरे स्टॉक मार्केट के प्राइसेस अप जाएं। ठीक है, तो क्या होता है ये हम आगे इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो अभी समझ लेंगे। तो बेसिक सी बात तो यही है कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप करंट स्टेट को इंप्रूव कर रहे हो। ठीक, यहां तक तो हम बात समझ गए। तो ऑप्टिमाइजेशन कि जो यूटिलिटी है ना, वो आम जिंदगी में बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। आईओटी के अंदर में इस्तेमाल हो सकता है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, और आप जानते ही हैं कि जो ये जितने भी सारे फील्ड्स हैं ये सारे हमारी ही जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। हमारी ही जिंदगी को की यूटिलिटी, हमारी जिंदगी की जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया। आप देखो ना, आप कार्स में चलते हो, आप बातें कर रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप किसी और को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो, ये तो हमारी सुविधा ही बढ़ रही है ना। अगर आप घर बैठे नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो उससे नेटफ्लिक्स से आपको सुविधा मिल रही है, आप घर बैठ करके एक मूवी को देख पा रहे हो। ऑब्वियसली इसका मोनेटाइजेशन फैक्टर तो है ही है, आप बिना पैसा दिए तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं ले सकते, यहां सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन को समझने के लिए ना कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, अभी देखो ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे ना तो आप सबका एक बड़ा फेवरेट वर्ड है स्वाम इंटेलिजेंस। मेरे को इतने सारे आप लोगों ने फोन करे, ठीक है, कि सर स्वाम इंटेलिजेंस पे कुछ बनाओ। कारण ये है स्वाम इंटेलिजेंस के प्रति लोगों को इतनी जागरूकता होने का कि इसका इस्तेमाल ना बड़े जगहों पे किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम स्वाम इंटेलिजेंस को थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात में अगर हम इसको एक सिंपल प्रॉब्लम से सॉल्व करके देखें, देखो आपको पता है कि जब मैं आपको कोई भी चीज दिखाता हूं तो क्या पढ़ाता हूं, चाहे आप फ्रूट बकेट प्रॉब्लम की बात ले लो, चाहे जो आज मैं प्रॉब्लम कराऊंगा उसकी बात ले लो, कि वो एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम होती है।
ठीक है, उस सिंपल सी प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका एग्जैक्टली एल्गोरिदम वाइज क्या यूटिलिटी है। और आप जितने भी मर्जी एल्गोरिदम्स देख लो, वो बड़े सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स को लेकर के बनाए गए। जैसे ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ले लो, ठीक है, एक बहुत ही सामान्य सी समस्या है कि आपके पास कुछ मल्टीपल सिटीज हैं और एक पर्सन को हर सिटी एक बार विजिट करनी है एटलीस्ट, और उसमें कोई सिटी रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होगी। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन में अगर इसकी यूटिलिटीज देखने जाओ, इसका इस्तेमाल को देखने जाओ ना, तो बहुत जगहों पे मिलती है, ठीक है। तो मेरे जो पढ़ाने या समझाने का तरीका है, या जो मुझे समझ में आया जितना कुछ भी आज तक पढ़ के, कि अगर आपको एक सिंपल प्रॉब्लम समझ में आ सकती है तो आप वर्ल्ड का कोई भी प्रॉब्लम समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक्स नाम का एक वेक्टर है, ठीक है। अब वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब मैग्नीट्यूड होता है जिस कोई वेट हो गया, जैसे सपोज करो कि कबीर की एज 7 इयर्स है ना, तो जो 7 इयर्स हुआ ना, ये जो नंबर हुआ ये कबीर के एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वेट हुआ इसका, ठीक है, या मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब सीधी सीधी सी बात कि मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया वैल्यू, ठीक है। एंड डायरेक्शन कहने का मतलब ये होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव भी कहां से आता है, देखो अगर यहां से यहां का डिस्टेंस मैं निकालने चलता हूं, ठीक है ना, वेक्टर की बात क्यों है, मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेते हैं, डायरेक्शन को इंक्लूड करने की क्या जरूरत है। जैसे सपोज करो कि मिस्टर ए यहाँ पे खड़े हैं एंड मिस्टर बी यहाँ पे खड़े हैं, तो मिस्टर ए से मिस्टर बी की जो दूरी है वो 200 मीटर की है, ठीक है। तो मिस्टर बी से मिस्टर ए की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी तो 200 मीटर ही होगी ना भाई, लेकिन मेरे बंधु ये नेगेटिव में है, यानी कि डायरेक्शन रिवर्स हो गया। इसलिए हम वेक्टर की बात करते हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात नहीं होती है, ठीक है। तो लेट अस सपोज देयर इज अ वेक्टर एक्स, ठीक है, और इसके ये वेक्टर 5 नंबर्स कंटेन करता है, ठीक, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। मेरी इस प्रॉब्लम का नाम है द नंबर प्रॉब्लम, जैसे आपको मैंने फ्रूट बकेट प्रॉब्लम समझाई थी, सो ये नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है नंबर प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है किसी पेपर में साइटेड हो, क्योंकि ये मेरे दिमाग से निकला हुआ है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, अभी आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई आप जितने भी मैथमेटिक्स देखने जाओगे तो उसमें बोलते हैं एक्स का ना मुझे एफ ऑफ एक्स बनाना है, एफ ऑफ एक्स बनाने का मतलब ये हुआ कि मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसमें एक्स बतौर इनपुट हो, यहां से ये एक्स जो है ये बतौर इनपुट इधर जा रहा है और एफ इसके एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एफ एक्स बनाना है जो कि ऑप्टिमाइज्ड कर दे एक्स को, ठीक, सिंपल सी बात। तो इसको देखो जैसे क्या है कि किसी भी चीज को अगर ऑप्टिमाइज करना है ना, तो उसका कोई कारण होना चाहिए, ठीक है। अभी कारण को क्या बोलते हैं आगे वो भी समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेकर के आप इतना कंफ्यूज रहते हो और फिटनेस फंक्शन को लेकर इतना कंफ्यूज रहते हो, तो वो सब कुछ अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि अब मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो एक्स को ऑप्टिमाइज कर दे, ठीक है। तो अब एक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए मुझे कोई टर्म चाहिए, ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग हम क्या करते हैं, हम इनका एवरेज लेके देखते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा एवरेज कितना बना, 10, 20, 30, 40 एंड 50, दिस विल रिजल्ट इन टू 150, राइट। और कितने मेंबर्स हैं हमारे पास, 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स कैसे हो गए भाई, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो 150 by 5 दैट इज 30, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम दिस एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। अब तुम कहोगे कि सौरभ आप एवरेज को लेकर के इतना सीरियस क्यों रहते हो, हर चीज में आप एवरेज का इस्तेमाल क्यों करते हो, ठीक है ना। देखो एवरेज जो है ना, ये दुनिया का एक ऐसा मेजरमेंट है जो आम जिंदगी में कई बार इस्तेमाल होता है, ठीक। जैसे अगर किसी कोई टीचर है, आप लोगों में से कई लोग प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, ठीक है, या फॉर द टाइम बिंग तुम स्टूडेंट भी हो, तो तुम्हारी क्लास की अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पूछी जाए, पूछा जाए तुम्हारी क्लास कैसा परफॉर्म करती है, तो तुम्हारी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 90+ आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 30 से भी बिलो आते हैं। तो तुम ना 30 वाले का नाम लेते हो ना तुम 90+ वाले का नाम लेते हो, तुम वो नाम लेते हो जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सके। तो तुम क्लास का एवरेज वैल्यू बताते हो जी, हमारी क्लास की 76% के अराउंड हमारा ये है। अब तुम कहोगे 76% कैसे एवरेज हो गया, रिलेटिव काउंट के हिसाब से, मतलब जिन लोगों को कंसिडर कर रहे हो उनके हिसाब से, ऐसे तो एवरेज 50% बनेगा, तो 50% किसका, जो क्लास में वैल्यूज है उनका, ठीक है। तो एवरेज की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, आप किसी भी चीज के अपर थ्रेशोल्ड को कैलकुलेट करते हो, लोअर थ्रेशोल्ड को कैलकुलेट करते हो, तो एवरेज में ही जोड़ा और कुछ घटाया जाता है, ठीक है ना। ये चीज हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले लेक्चर में है कि अपर बाउंड कैसे कैलकुलेट होता है, लोअर बाउंड कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वहां जाकर के देख सकते हो। तो हमारा ये एवरेज जो था ये हमारा 30 आ गया यहाँ पे, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, हम हर एक एलिमेंट का, ये एक्स ही था हमारा, ठीक है, अब हम हर एक एलिमेंट का इस 30 से ना डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे मेरे पास 20 यूनिट्स का डेविएशन है, यहाँ अगर आप देख रहे हो तो मेरे पास 10 यूनिट्स का डेविएशन है, यहाँ पे मेरे पास 0 यूनिट का डेविएशन है, ये 10 है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अगेन 10 यूनिट का डेविएशन है, और यहाँ पे मेरे पास 20 यूनिट्स का डेविएशन है, ठीक है। सपोज करते हैं, देखो डेविएशन तो कम ही होना चाहिए ना, किसी भी चीज में डेविएशन जितनी कम होगी वो उतनी अच्छी अपने आप को रिप्रेजेंट, उतना अच्छा करेगा, उतना प्रिसाइज करेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे मन में एक अच्छे इंसान को लेकर के और एक बुरे इंसान को लेकर के तुम्हारे घर में तुमको सिखाया जाता है, ठीक है, कि इस तरह का इंसान होगा, चलो वो किसी के साथ रूड नहीं है, नेचर वाइज ठीक है, बात करने में ठीक है, ठीक है, काम अच्छा करता है, एक आधा और क्वालिटीज तुम जोड़ लो तो तुम्हारे लिए वो अच्छा इंसान हुआ, ठीक है, और बुरा इंसान भी सिखाया गया। लेकिन अब अच्छे इंसान में बुरे इंसान वाली क्वालिटीज भी मिलने लग जाएंगी तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज होएगा, इसलिए डेविएशन ना कम होना चाहिए डेफिनेशन के अंदर में, ठीक है, जितना कम डेविएशन होगा उतना प्रिसाइज तुम्हारा डेटा रहेगा, ठीक। तो अब ये देखो, इसको ये डेविएशन जो है, अगर मैं इस डेविएशन का मीन निकालने जाऊँ, मीन को हम बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम पहले भी जानते हैं, ठीक है, तो इस डेविएशन का अगर तुम मीन निकालने जाते हो तो ये कितना बनता है, 20, 30, 40, 20, 60, 60/5, दैट इज 12 यूनिट्स, बराबर, ठीक है, ये मेरा डेविएशन हो गया, यानी कि ये मेरे को मेजरमेंट मिल गया है कि मेरा अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ एक्स को, तो मुझे इस डेविएशन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को देखते हो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को समझते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं हर एक चीज के लिए, कि कोई एक रैंडम एक स्टेप लिया गया, वो रैंडम स्टेप क्या हो सकता है वो भी डिफाइंड है, ऐसे आप कुछ भी रैंडमली नहीं कर सकते, जो रैंडम स्टेप्स है वो भी डिफाइंड है, तो हम कुछ रैंडम स्टेप्स लेकर के देख करके चलते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि पहला एक मैं स्टेप लेके चलता हूं, हम क्या करते हैं, लेट अस रिजेक्ट एन एलिमेंट, ठीक है, रिजेक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक। अब पॉपुलेशन क्या हुआ मेरे भाई, देखो पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन कहने का मतलब समुदाय, या जो हमारा जनसंख्या है, या जिस एलिमेंट के ऊपर तुम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हो, वो तुम्हारे लिए इस समय पॉपुलेशन होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी एल्गोरिदम देखोगे ना आप इधर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में, तो उसमें बोलते हैं पॉपुलेशन साइज क्या है, पॉपुलेशन साइज कहने का मतलब तुम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हो, तो पॉपुलेशन क्या हुआ, जिन जिन को कंसिडर कर रहे हो वो तुम्हारा पॉपुलेशन हो गया। तो यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन क्या हुआ, 10, 20, 30, 40, 50 का एक पूरा पॉपुलेशन हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पॉपुलेशन का एक सबसेट रिजेक्ट करने लगे, लेट अस रिजेक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन, रिजेक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन कहने का मतलब कि मैं इस 10, 20, 30, 40 और 50 में से एक सैंपल रिजेक्ट कर दूंगा, या दो सैंपल रिजेक्ट कर दूंगा। तो किसी भी चीज को अगर आप ऑप्टिमाइज करना है ना, तो सबसे पहले मेजर स्टेप नहीं उठाना चाहिए, पहले माइनर स्टेप उठा के देखिए कि उससे क्या इंप्रूवमेंट है, फिर माइनर को थोड़ा और बूस्ट किया जाता है। देखो किसी भी चीज की ना झेलने की क्षमता होती है, ठीक है, तुम बॉडी बनाने जाते हो, तुम रोज 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 एक्सरसाइज करते हो, तो तुम बॉडी को एक लिमिट तक फटीग दे सकते हो, उस लिमिट से बाहर जब तुम फटीग दोगे तो तुमको नुकसान होगा, ठीक है, आप देखते भी हो इस चीजों को, रियल लाइफ में भी बात है, ठीक है। तो लेटेस्ट रिजेक्ट एन एलिमेंट 50, ठीक, तो अगर मैं 50 को रिजेक्ट कर देता हूं तो मेरा ये क्या बन जाता है, ये मेरा पॉपुलेशन अब क्या बन गया, 10, 20, 30 एंड 40, बराबर है ना, ठीक है। अभी मेरे चार एलिमेंट्स का पॉपुलेशन हो गया, पहले ये हमारा पांच एलिमेंट्स का था, क्यों, क्योंकि हमने एक एलिमेंट को रिजेक्ट कर दिया हमारे पॉपुलेशन में से। तो अब अगर मैं किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करने की चीज की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा जो बेसिक पैरामीटर है ना वो सेम रहेगा, ठीक है, किस पैरामीटर को क्या बोलते हैं वो भी अभी समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ऐसे इसको मोटा मोटा समझो, ठीक है। तो बेसिक पैरामीटर सेम रहेगा, तो हमारा बेसिक पैरामीटर यहाँ पे क्या है कि हमने डेविएशन कैलकुलेट किया है इसके मीन से, जो हमारा पूरा ओवरऑल पॉपुलेशन था उसका, जो हम पहले एवरेज निकाला हमने, ठीक है, और एवरेज के साथ में हमने डेविएशन कैलकुलेट किया, फिर उस डेविएशन का मीन लिया जो हमारा 12 यूनिट है। तो अगर मैं इधर कोई भी प्रोसेस करूंगा तो मुझे ये जो हमने 12 यूनिट यहाँ पे जिस भी मेथड से, जिस भी प्रोसीजर को फॉलो करके निकाला, वो हमें दोबारा निकालना पड़ेगा कि हमारा कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर मैं इस प्रोसेस को वापस करूं, तो हमारा स्टेप वन में क्या था कि अब हम इसका एवरेज लेंगे, तो अगर मैं इसका एवरेज लूं, 10, 20, 30 हो गए, 30, 30, 60 एंड 40, 100, ठीक है, तो मेरी वैल्यू होगी 100, ठीक है। ये कितने एलिमेंट्स का है, फोर एलिमेंट्स का है, तो मेरा जो एवरेज वैल्यू आया दैट इज 20
5 यूनिट्स बराबर। तो पीछे हमने क्या किया था, हमने इस एवरेज वैल्यू से अपने पॉपुलेशन के ईच एलिमेंट का डिफरेंस निकाला था या डेविएशन निकाला था। तो वही डेविएशन अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मेरा डेविएशन कितना बन गया, पहले एलिमेंट के साथ में 15, दूसरे एलिमेंट के साथ में मेरा डेविएशन 5 यूनिट का बनता है, तीसरे एलिमेंट के साथ भी मेरा डेविएशन 5 यूनिट का बनता है, और चौथे एलिमेंट के साथ मेरा डेविएशन जो है वो 15 यूनिट्स का बनता है। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया था, जितना डेविएशन आया था हमने उसका एवरेज निकाला था। अगर तुम यहाँ पे एवरेज निकालो, 15 + 5 + 5 + 15 / 1, 2, 3 and 4, बिकॉज हमारे पॉपुलेशन में 4 एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने एक एलिमेंट को रिजेक्ट कर दिया बराबर। तो 30 40 / 4, अब अगर कुछ लोगों को समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन तो परफॉर्म हो गई, नहीं समझ में आ रहा तो मेरे भाई मेरे बंधु मैं बता देता हूँ। देखो ना, ये तो डेविएशन था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि डेविएशन कम होना चाहिए। आपकी जिंदगी में अनसर्टेनिटीज जितनी कम होंगी आपकी लाइफ उतनी स्मूथ चलेगी। तो ऑप्टिमाइजेशन कोई हवा में से थोड़ी आया है, अगर हम जिंदगी पे लगाने जाए तो ये भी यही है ना, हमें अपनी लाइफ के डेविएशन कम करने पड़ेंगे तो हमारी लाइफ स्मूथ चलने लग जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे ये देखो मेरा डेविएशन 10 आ गया, जो 2 यूनिट कम है। समझ में आई बात? तो अगर मैं इस चीज को कह रहा हूं कि मैंने इस एक्स से इस एक्स के लिए एक एफ ऑफ एक्स बनाया जो एक्स के करंट स्टेट को इम्प्रूव कर रहा है, तो करंट स्टेट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेविएशन है। तो डेविएशन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे रिड्यूस किया तो मेरी ऑप्टिमाइजेशन का ये रिजल्ट आया। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो अभी यहां पे अगर तुम देखने जाओ तो इस प्रॉब्लम के अंदर में हमने किया क्या, हमने इसमें से एक एलिमेंट को रिजेक्ट कर दिया जो हमारा 50 था। ठीक है, तो अगर इस एलिमेंट को तुम रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हमारा एक सॉल्यूशन तो क्या हुआ, रिजेक्ट एन एलिमेंट जो हम ऊपर लेके भी चल रहे थे। ठीक है, रिजेक्ट एन एलिमेंट। ठीक, तो अगर मैं इसको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करने जाऊं, हाइपोथेसिस क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया था, शायद मशीन लर्निंग के पोर्शन में समझाया हो, नहीं मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के टर्म में समझाया होगा, आज यहां से जनरल टर्म में समझ लो। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है मेरे बंधु, हाइपोथेसिस देखो किसी भी रिसर्च का ना आधार होता है। ठीक, अगर तुम रिसर्च करने जा रहे हो किसी भी चीज के ऊपर में, तो तुम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अगर किसी चीज के ऊपर इंप्रूवमेंट आए आप तभी उसको रिसर्च में कंसिडर करो। देखो थॉमस एल्वा एडिशन ने 1000 अटेम्प्ट लगाए थे अप्रोक्सीमेटली अपने उस बल्ब को बनाने के लिए। ठीक है, और 1001वें अटेम्प्ट के अंदर में उनका वो बल्ब बना, तो भाई साहब ने एक पूरी किताब ग्रंथ टाइप का लिख दिया कि ये 1000 तरीके लगाने से आपका बल्ब नहीं बनता। किसी ने या किन्हीं सज्जन ने उनसे पूछा कि भाई आप एक वो तरीका ही लिख दो जिससे कि आपका बल्ब बन जाएगा, आपको ये सारे तरीके बताने की क्या जरूरत है कि इस ऐसा करोगे तो बल्ब नहीं बनेगा, वैसा करोगे तो बल्ब नहीं बनेगा। वो ऐसा उन्होंने आंसर करा, वो उन्होंने ये बात कही कि ये एक बेसिक बल्ब है जिसमें इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है एक फिलामेंट से, और वो फिलामेंट ग्लो करता है जिसको आप ग्लास में कंटेन करते हो, यही बल्ब का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो ग्लास से क्या होता है, हीट निकलती है, डिसिपेट हो, तुमको उजाले के टर्म्स में दिखता है। ठीक, ये होता है। तो उन्होंने बोला कि आगे जो बंदा इस चीज को बनाएगा उसको ये पता होना चाहिए कि ये 1000 तरीके तो लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने उन 1000 तरीकों पर, अगर 1000 तरीके वो देखे ना, तो वो भी एक रिसर्च है। समझ गए? यानी उनको वहां पे सक्सेस नहीं मिला, बट दैट इज ऑल्सो स्टडी जो किसी आगे फर्दर रिसर्च में कंट्रीब्यूट करेगा। तो रिसर्च का मतलब हमेशा इंप्रूवमेंट नहीं होता है, बट थोड़ी सी विडंबना है आज के डेट की हमारी कि हम किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट को ही रिसर्च काउंट करते हैं। अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो वो रिसर्च नहीं है। एक रिसर्चर अपनी जिंदगी के 3 साल 4 साल लगाता है अगर वो इथिकली रिसर्च करने जाए, तो जरूरी नहीं है भाई कि उसको उसमें सफलता मिले। मतलब सफलता कहने का मतलब ये थोड़ी है कि उसका रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर किसी चीज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है और उस बंदे ने सच में उस चीज पे अपना लॉजिक लगाया, दिमाग लगाया, एक समय सीमा लगाई, तो वो ये भी तो बता सकता है ना कि इन लॉजिक से नहीं इंप्रूव होता, अगर किसी और ने करना है तो इसके बाद ट्राई करो, इससे पहले नहीं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस पे थे हम। तो हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च का बेस होता है। जैसे सपोज करो कि तुम किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, तुम्हारी कंपनी में 50 एम्प्लॉयज है। ठीक है, मेरे पास 50 एम्प्लॉयज है किसी कंपनी के अंदर में। ठीक है, अब इन 50 एम्प्लॉयज में से 25 एम्प्लॉयज को उठा करके एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। सपोज करो कि इनको हमने पाइथन सिखा दिया, मेरी कंपनी के 25 एम्प्लॉयज को मैंने पाइथन सिखा दिया। ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो और 25 एम्प्लॉयज को मैंने कोई एक्स्ट्रा पाइथन की ट्रेनिंग नहीं दी, इनको कुछ एडवांस सिखा दिया, इनको कुछ भी एडवांस नहीं सिखाया।
ठीक है, तो जो तुम्हारा तो मैंने ये 25 लोगों को अगर एडवांस पाइथन सिखाया तो मुझे इनसे कुछ एडवांसमेंट की उम्मीद भी होगी। तो जो तुम्हारा हाइपोथेसिस है, इसमें दो तरह की हाइपोथेसिस होती है। पहली हाइपोथेसिस जो होती है वो कहती है कि मैं नल रहूंगी। नल हाइपोथेसिस या एच नॉट से तुम रिप्रेजेंट करते हो, नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, इस चीज के करंट स्टेट में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एंड इंप्रूवमेंट दो अलग अलग वर्ड है। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कहने का मतलब कि ऐसा तुम्हारा इन्हांसमेंट, इस तरह का विस्तार जो एक्सेप्ट किया जा सके कि हाँ ये ज्यादा है या ये कम है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो तुम्हारी सैलरी, करंट सैलरी 70,000 रुपए है या 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए की सैलरी पे अगर मैं तुमको बोलूं कि हम आपको ना 55,000 दे देते हैं, आप इधर स्विच कर जाओ, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है ना। ठीक है, एक बड़ा मार्जिन होगा। तुमको 70,000 सैलरी है, अगर तुमको 72,000 या 73,000 पे कोई ऑफर कर रहा है तो दिस इज नॉट कॉल्ड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। अगर 1,00,000 रुपए हो रही है तो एक बड़ा अमाउंट तुम्हारा ये हो रहा है, तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट का भी 5% मिनिमम मार्जिन है। 5% कहाँ से आया? टार्बिन वॉटसन मेथड, मैंने समझा रखा है अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के लेक्चर में। तो नल हाइपोथेसिस जो होगा वो ये कहेगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इफ सो एंड सो कंडीशन इज अप्लाइड। तो तुम तो अपनी सारी रिसर्च करते हो इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो तुम कहोगे ऐसे कैसे होगा भाई साहब, इंप्रूवमेंट तो होगी। हम कहेंगे ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव, मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा, यानी कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एलिमेंट को रिजेक्ट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो हमें इंप्रोवाइजेशन का पैरामीटर दिखाना पड़ेगा कि ऐसा करने से इतना इंप्रूव हुआ। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10, 20, 30, 40, 50 में से तो एक एलिमेंट रिजेक्ट किया। ठीक है, तो एक एलिमेंट अगर रिजेक्ट किया, इस प्रोसेस को दोबारा देखोगे है ना, तो इसमें तुमने 4 एलिमेंट सेलेक्ट भी तो कर लिया ना बंधु, ठीक है ना। सो हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन था दैट इज रिजेक्ट अ पॉपुलेशन, है कि नहीं। तो सेकेंड जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है कि सेलेक्ट अ पॉपुलेशन, ठीक है। एक रिजेक्शन पॉलिसी में अगर तुम 5 लोगों में से एक को रिजेक्ट कर रहे हो तो 4 को सेलेक्ट भी तो कर रहे हो, तो सीधा सीधा उपाय है। ठीक है, क्या कोई तीसरा उपाय भी हो सकता है? क्या कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है? देखो ना, अगर मेरे पास 4 नौकर काम कर रहे हैं और मुझे स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो मेरे पास सोल्यूशन है कि एक मैं और नया नौकर रख लूं अगर काम बढ़ रहा है, या एक को निकाल दूं अगर काम घट रहा है। ये भी तो कर सकते हैं ना मेरे बंधु, कि एक कर सकते हैं हम कि रिप्लेस अ पॉपुलेशन, चेंज कर दो, ठीक है ना। तो रिप्लेस जो है ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, बट जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं या जो लोग काम करते हैं वो रिप्लेसमेंट की पॉलिसी पे नहीं चलते, ठीक है, वो सेलेक्ट या रिजेक्ट करने की पॉलिसी पे ही चलते हैं। इसका भी एक कारण है। देखो देखो, अगर तुम सेलेक्ट करने जा रहे हो किसी भी चीज को, ठीक है, तो अगर तुमने सेलेक्ट किया तो तुमने एक प्रोसेस कंप्लीट किया, ठीक है, यू आइडेंटिफाइड एन एलिमेंट एंड यू सेलेक्टेड इट, ठीक है। रिजेक्ट करने जा रहे हो तो भी तुम एक ही प्रोसेस को पूरा कर रहे हो, दैट यू सेलेक्टेड एन एलिमेंट एंड रिजेक्टेड इट। बट अगर तुम रिप्लेस करने जाओगे ना, तो रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ कि तुमको यू विल हैव टू फाइंड द एलिमेंट, सबसे पहले तो कि फाइंड द एलिमेंट दैट हैज टू बी रिजेक्टेड या दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड, एंड फाइंड द रिप्लेसमेंट एज वेल, ठीक है ना। एक तो भाई मेरे तुम उसको ढूंढोगे कि इसको रिप्लेस करना है और किसके साथ रिप्लेस करना है वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो ऐसा करने में क्या हुआ, हमारी कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। समझ गए कि नहीं? कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? देखो कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपल सी बात है, जितना टोटल टाइम तुमको लगेगा ना एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के अंदर में, वो कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी होता है। इसमें टाइम और स्पेस दो एस्पेक्ट है, या तो तुम टाइम में निकाल लो चाहे तुम स्पेस के टर्म में निकाल लो, ठीक है ना। टाइम कहने का मतलब कि 4 सेकेंड लग गए या 6 सेकेंड लग गया या 10 मिली सेकेंड लग गए। स्पेस कहने का मतलब कि 2 MB रह गया, ये भी कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी जगह ले रहा है, ठीक है। तो यहां पे अब हमको सीधी सीधी सी बात समझ में आई कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस पे जब ऑप्टिमाइजेशन के जब एल्गोरिदम्स डिजाइन करे जाने लग गए, ठीक है, तो ये सोचा गया कि हम इसको कैसे बनाए, इसकी इसको देखा कैसे जाए, ठीक है। तो हमारे लिए, इंसान के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए तो हम भगवान की बनाई हुई चीजें ही हमेशा स्टडी करते हैं। सब कुछ जो उन्होंने पहले से क्रिएट कर रखा है उतने तक ही हमारा दिमाग चलता है, उनकी सोच से बाहर हम नहीं सोच सकते। ये ऐसा लिखा हुआ है, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, देखो ना वो तो अभी हमें अपना पूरा दिमाग चलाने की भी इजाजत नहीं दे रहे।
तुम देख रहे हो ना 13% 14% इतना मैक्सिमम ब्रेन रन हो रहा है, यानी हम अपने दिमाग को पूर्णतया इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो भगवान ने ऐसा हमें डिजाइन करके भेजा है। अगर आप महाभारत को देखते हो तो अर्जुन को, जो आज हम भगवत गीता सुनते हैं, वो अर्जुन को दिया हुआ उपदेश है जो भगवान श्री कृष्ण ने उसको उनको अर्जुन को दिया, तो उसके लिए भी उनको स्पेशल पावर्स देनी पड़ी कि हमको, मुझे तुम इस रूप में देख सको। तो हम जितना कुछ भी सीखते और समझते हैं, जितना कुछ भी हमने डिजाइन किया हुआ है, ये ऊपर जितना उन्होंने हमको अलाउ कर रखा है उतना ही डिजाइन कर रहे हैं, उससे बाहर हमारी औकात नहीं है, वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इस चीज का बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूँ, मानता हूँ, आपको भी मानना चाहिए। नहीं मानते हो तो आप कुछ कुछ पहले से जो हमारे हिस्टोरिकल बुक्स हैं, जो हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, चाहे आप गीता ले लो, चाहे आप कुरान ले लो, चाहे आप बाइबल ले लो, पढ़ के देखो, थोड़ा बहुत आपको कुछ जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलो बहरहाल हम वापस आते हैं ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम पे। चूंकि हम ये सब कुछ कहते, तो भगवान ने जितना कुछ भी बनाया तो हम उसको बोलते हैं नेचर। ठीक है, कीड़े मकोड़े, पेड़, पहाड़, झरना, ये सब भगवान का कंस्ट्रक्शन है। तो उन्होंने ये जो कुछ भी बनाया, हमने बोला इसको नेचर। तो जब इंसान अपने नेचर को देखता है, अपने आसपास की चीजों को देखता है, तो उससे सीखता है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल कंप्यूटिंग। समझ गए? ठीक, तो नेचुरल कंप्यूटिंग ना, मतलब जितने दुनिया भर के एल्गोरिदम्स हैं वो सारे नेचुरल कंप्यूटिंग के अंदर ही आते हैं। फिर फर्दर इसमें सेपरेशंस हैं अलग अलग तरह की, कि ह्यूरिस्टिक्स कैसे है, मेटा ह्यूरिस्टिक्स कैसे है, ठीक है, और जो बाकी के टाइप है, कि नेचुरल फेनोमेना कैसा चलता है। तो अगर तुम नेचुरल कंप्यूटिंग को देखने जाओगे, ठीक है, तो नेचुरल कंप्यूटिंग को जो है वो कुछ इस तरह से बांटा गया है। ठीक है, एक नेचुरल कंप्यूटिंग, नेचुरल कंप्यूटिंग कहने का मतलब कि नेचर में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर जब तुम कुछ पढ़ने जाते हो तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसकी कैटेगरीज है, जैसे पहला जो है वो है इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम। ठीक है, दूसरा जो है, ठीक है, जिसको तुम मेटा ह्यूरिस्टिक्स गिनते हो, ठीक, या स्वाम इंटेलिजेंस, लो तुम्हारा फेवरेट वर्ड, स्वाम इंटेलिजेंस मेटा ह्यूरिस्टिक्स की टाइप है। ठीक है, थोड़ा सा भी बता देता हूँ तो आगे तुमको पता चल जाएगा। तीसरा होता है नेचुरल फेनोमेना, ठीक है, जो तुम सीधा सीधा नेचर के इंस्पायर्ड जो है वो प्रोसेसेस पढ़ते हो, नेचुरल फेनोमेना आता है। चौथी इसकी कैटेगरी है स्पोर्ट एल्गोरिदम। ठीक है, जैसे गेम थ्योरी होगी तुम्हारी, जैसे जिस तरह से गेम्स खेली जाती हैं, जिस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी बनी जाती है, तो ये भी एक कैटेगरी है नेचुरल कंप्यूटिंग के अंदर में। इसके अलावा जितने साइंटिस्ट पढ़ रहे थे तो उन्होंने कोई फील्ड छोड़ा नहीं, इसलिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एल्गोरिदम आया। ठीक है, ये ब्रांच है, इसके अंदर फिर आगे एल्गोरिदम्स है। ठीक है, और फिर एक सीधा सीधा ह्यूमन इंस्पिरेशन, जिससे डायरेक्टली ह्यूमन इंस्पायर हो सके। ठीक है, मशीन्स के लिए नहीं, सीधा सीधा ह्यूमन के इंस्पिरेशन के लिए, बट ये सब बहुत अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो हम आज सिर्फ मेटा ह्यूरिस्टिक्स की बात करेंगे और इसमें स्वाम इंटेलिजेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो एक मोटा मोटा सेग्रीगेशन तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो देखो जो पहले की प्रॉब्लम्स होती थी ना, जब आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लोगों का ध्यान जाना शुरू हुआ, ठीक है, तो पहले की प्रॉब्लम तो मशीन को, बेसिकली मशीन से अपने को काम लेना है। ठीक, ये हमारा मेन मेन मुद्दा है, क्योंकि इंसान को तो पता ही, इंसान की समझ में और मशीन की समझ में फर्क है अभी। ठीक है, इंसान जो है वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है, अपने स्कूल में सीखता है, तो इंसान के दिमाग को मिमिक करना भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो हमको मशीन्स के लिए चाहिए, और मशीन्स में बहुत कुछ होता है। ठीक, तो स्वाम इंटेलिजेंस क्या है मेरे दोस्त? देखो इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है स्वाम, ठीक है, और दूसरा है इंटेलिजेंस। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई, एक है स्वाम और दूसरा है इंटेलिजेंस। अगर तुम स्वाम को हिंदी में देखने जाओगे ना, तो इसका मतलब होता है झुंड, ग्रुप। ठीक है, एंड इंटेलिजेंस बुद्धिमता। ठीक है, जो तुम बुद्धि दोगे वाया स्वाम, तो उसको बोलेंगे हम स्वाम इंटेलिजेंस। यानी कि एक सिंपल सी डेफिनेशन की, कोई ऐसा नेचुरल बिहेवियर जो किसी ग्रुप में ही काम करे फॉर एनी सक्सेसफुल ट्रांजिशन, उसको हम स्वाम इंटेलिजेंस के अंदर में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि तुम पूछोगे कि इसमें किस तरह की एल्गोरिदम्स आएंगे। देखो हम क्या है, अगर हम इंसानी सोच के हिसाब से ही सिर्फ सारे एल्गोरिदम्स डिजाइन करें, ठीक है, तो इंसान को क्या है, इंसान जो है ना, इंसान के पास बहुत सारी वैरायटीज हैं लाइफ को देखने के लिए, लाइफ को सीखने समझने के लिए, तो इंसान के पास बहुत कुछ है। उसको पैसा भी कमाना है, ठीक है, उसको फैमिली भी अच्छी चाहिए, फ्रेंड्स जोन भी, जो उनका फ्रेंड जोन है वो भी अच्छा होना चाहिए, जिंदगी भी ठीक चलनी चाहिए, फलान ढिमकान फरारी भी होनी चाहिए, सबकी ख्वाहिशें हैं, मेरी भी हैं। ठीक है, तो ये हम, चूंकि हम वर्सेटाइल मोड में चल रहे हैं, ठीक है, तो हम किसी एक जगह फोकस नहीं कर सकते। तो इंसान को छोड़ के झुंड में कौन काम करता है? अगर तुम ध्यान दोगे तो इंसेक्ट्स को देखो,
ठीक है, चींटियों को देखो, आप मधुमक्खियों को देखो, ठीक है, अगर आप देखने जाओगे आप जुगनुओं को देखो, ठीक है, ये सारे ना झुंड में काम करते हैं, ठीक, ग्रुप में काम करते हैं, तो इनको देख के हम क्यों इंस्पायर हो गए? पहला क्वेश्चन तो ये कि वाई द बिहेवियर ऑफ दीज इंसेक्ट्स इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस इन ऑर्डर टू डिजाइन एन एल्गोरिदम आर्किटेक्चर दैट इज सुटेबल फॉर एनी मशीन लर्निंग प्रोसेस, वाई? ठीक, यानी कि इनके बिहेवियर में ऐसा क्या है कि हम इंसान अपने आप को छोड़ करके चींटियों और मच्छरों के बिहेवियर्स को देखने के लिए चले हैं और उनसे हम कुछ काम ले रहे हैं? देखो, पहली चीज तो ये कि जो जितने इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, तो इंसेक्ट्स का ना लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, ठीक है, जैसे चींटियों को देखो तुम, मच्छरों को देखो, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम है, तो इनकी जिंदगी का एक ही गोल है, ठीक है ना, इनका इनकी जिंदगी का एक ही गोल है, वो गोल है फूड, इनको फूड चाहिए, इनको बेस्ट क्वालिटी फूड चाहिए, ठीक है, जैसे डेफिनेट बोलते ना, कहें कि हमारा मकसद हमको डेफिनेट हो गया है। तो यहाँ पे इन जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनकी जिंदगी का ये डेफिनेट लक्ष्य है कि इनको अच्छे से अच्छा फूड कलेक्ट करना है, इनको खाना खाना है, इनको जिंदगी में और इम्प्रूवमेंट की कोई चाहत नहीं है। आप कभी भी एक चींटी को अपने, उसके वो चींटियां इतने सारे अंडे देती हैं, ठीक है, अगर उसके अंडे, और हम ह्यूमन की वजह से या दूसरे नेचुरल उनके प्रोसेसेस की वजह से उनके कितने सारे अंडे मर जाते हैं, बट आप उसको कभी भी बैठ के सोग मनाते नहीं देखोगे, क्योंकि ब्रेन का साइज जो है और जो उसके ब्रेन का फेनोमेना है वो उसको ना पुश करता है टुवर्ड्स फूड सच, चाहे वट एवर हैपन्स इन द डेली लाइफ, उसके जो जो भी आम जीवन, उसके जो कुछ भी हो रहा, तो उसका आम जीवन ही नहीं है कोई। अब अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, मुझसे कोई रूडली सुबह बात कर लेता है, मैं शाम तक अपसेट रहता हूँ, ठीक है, तो उस अपसेट होने की वजह से क्या हुआ, मैंने अपना काम नहीं किया, तो हमें या मुझे या इंसानों को दूसरों की बातें ना अपसेट करती हैं, तो हमारा एक जगह काम पे फर्क पड़ता है, इसलिए हम ह्यूमन एल्गोरिदम्स को डायरेक्टली नहीं अप्लाई करते, क्योंकि हमारे पास, हमारा ब्रेन जो है वो कई सारी चीजों से अफेक्ट होता है, बट चींटी का ब्रेन, ठीक है, मधुमक्खियों का ब्रेन, इनको सिर्फ फूड चाहिए, तो स्वार्म इंटेलिजेंस वो एल्गोरिदम आर्किटेक्चर है जो कि आप किसी ग्रुप में देखते हो और नेचर ने जो क्रिएट किया है, मतलब चींटियां हैं, बाकी तुम्हारे मधुमक्खियां हो गई, फायरफ्लाइज हो गए, ड्रैगनफ्लाइज हो गए, ग्रास हॉपर्स हो गए, ये सारे के सारे स्वार्म इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, ठीक, तो स्वार्म इंटेलिजेंस को ब्रॉडली दो तरह के एल्गोरिदम आर्किटेक्चर में क्वांटिफाई किया जाता है, तो स्वार्म इंटेलिजेंस में सबसे पहले आते हैं इंसेक्ट बेस्ड एल्गोरिदम्स, ठीक है, और फिर आते हैं एनिमल बेस्ड एल्गोरिदम्स, ठीक है, अगर मोटा मोटा देखोगे तो इसमें हर एक एल्गोरिदम के अंदर में इतना कुछ है ना कि आपको अभी थोड़ा सा और समझाता हूँ तो आपको और मजा आएगा, समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इधर, ठीक है, अगर यहां तक पहुंचे हो भाई, ठीक है, अगर तुमको ठीक लग रहा है मेरे बंधु मेरे दोस्त, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो नीचे छोटा सा बेल आइकन का बटन है उसको दबा लो, साथ सब्सक्राइब भी कर लो, और अच्छा लग रहा है अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दोस्तों का भी भला हो, ठीक है, तो स्वाम की तरह से इसको काम करो, उनके साथ भी शेयर करो, ठीक, चलो, तो इंसेक्ट बेस्ड तुम समझ ही रहे हो, इंसेक्ट लिखा हुआ है, इंसेक्ट का मतलब तुमको पता है, कीड़े मकोड़ों की जो प्रजाति होती है, तो जो छोटे छोटे बड़े छोटे छोटे जीव होते हैं उनके ऊपर जो एल्गोरिदम आर्किटेक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं इंसेक्ट बेस्ड स्वार्म इंटेलिजेंस, एंड जो जैसे वुल्फ है, ठीक है, अगर आप देखने जाओगे तो आपको एल्गोरिदम मिलेगा उसका नाम है ग्रे वुल्फ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, तो ये इस तरह के जो जो बड़े जीव हैं, ठीक है, जैसे जो जिनका साइज बड़ा है, जिनके सोचने समझने की क्षमता बड़ी है, और जो अपने लाइफ में और भी दूसरे चीजों से अफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनकी वो एनिमल बेस्ड एल्गोरिदम्स में आएंगे। अब एनिमल में भी ऐसा नहीं है कि तुम सबको ही डाल सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि इंसेक्ट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड, ठीक, तो स्वार्म इंटेलिजेंस की जो शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी 1991 के अंदर में, ठीक है, अगर हम एक फिगर देखने जाए, ठीक है, स्वार्म इंटेलिजेंस के ऊपर हम एक फिगर देखते हैं, चलो ये रहा हमारा फिगर, ये रहा, ठीक, अभी देखो 1991 के अंदर में आपको मालूम है कि हम अपनी मर्जी से तो कुछ बोलते नहीं, जो कुछ भी लिखा होता है, ठीक है, तो ऊपर देखो वो क्या, एक जो कलर पैटर्न है वो ये बता रहा है कि तुम्हारा जो एल्गोरिदम है वो किसके बेस पे बना हुआ, तो देखो इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है, बर्ड है, मैमल है, फिश है, फ्रॉग है, फ्रॉग को एक अलग कैटेगरी में रखने का क्या कारण है, मतलब फ्रॉग तो किसी और चीज में भी आ सकता है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है लीप फ्रॉग, ठीक है, अगर उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, आज हम एक एक आधा एल्गोरिदम कवर करने की कोशिश करेंगे, ग्रुप हंटिंग ऑब्वियसली जो भेड़िए होते हैं वो ग्रुप हंटिंग में जाएगा, तो ये सारे एल्गोरिदम्स हैं, तो सबसे पहले जो इनिशियल फेजेस में जो एल्गोरिदम आया ना वो वॉस्प के ऊपर आया था, तो उसको वॉस्प स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, फिर एक
बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, वो फ्लॉकिंग के इस पे होता है, फिर बीज के ऊपर आया, ठीक है। तो ये 2005 तक जो है, ये देखो ये आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह आए थे, ठीक है। 2015 में तुम्हारा जो है वो चिकन स्वार्म आया, ये देखो ग्रे वुल्फ ऑप्टिमाइजेशन जो है, ये मैंने नाम लिया था अभी कि ग्रे वुल्फ है, ये 2014 का है, ठीक है। और ये जो ड्रैगन फ्लाई मैंने अभी नाम लिया था, ये देखो 2015 का एल्गोरिदम है। जो सबसे लेटेस्ट अभी इसमें एल्गोरिदम है, दैट इज ग्रास हॉपर एल्गोरिदम, एंड उससे पहले हमारा आया था वेल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हैं, एक रिसर्चर हैं, आप उनका जो भी उनको कहना चाहो, उनका नाम है मीर जलीली, ठीक है। वो काफी एक्टिव हैं इस चीज के ऊपर में, ठीक है, मीर जलीली, ठीक है। ये काफी एक्टिव साइंटिस्ट है और ये काफी सारे एल्गोरिदम्स बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम एक चीज समझ लेते हैं कि हम एल्गोरिदम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर सपोज करो कि आपको कोई एल्गोरिदम बनाना, ठीक, स्वार्म इंटेलिजेंस के अंदर में आप कोई एल्गोरिदम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमको एक वो कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमको एक वो इंसेक्ट ढूंढना पड़ेगा, या मैमल ढूंढना पड़ेगा, या बर्ड ढूंढना पड़ेगा, जिसके ऊपर एग्जिस्टिंग में एल्गोरिदम आर्किटेक्चर नहीं दिया हुआ है। समझ गए ना, मतलब अगर वो पहले से है तो आप नया तो नहीं बना रहे हो उसको, ठीक है। तो उसके बाद जैसे अभी देखो कोरोना आया था, तो कोरोना के इतने सारे सैंपल्स कलेक्ट करे गए, उनको प्रोसेस करा गया, फिर उसकी टेस्टिंग करी गई। तो अगर आप चलोगे एक नया एल्गोरिदम बनाने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस प्रजाति के लिए एल्गोरिदम बनाना चाहते हो स्वाम के अंदर में। फिर आपको उनका एक ऐसा सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे सपोज करो मुझे 10,000 आंट्स की, मैं कोई एक नई स्पीसीज पे सपोज करो बना रहा हूं, तो मैंने क्या किया, इनिशियली 10,000 आंट्स को कलेक्ट किया, फिर इनको ना किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में डालना पड़ेगा। नेचुरल इन्वायरमेंट कहने का क्या मतलब है कि देखो ना, जैसे ये नेचुरली काम करते हैं, तुमको इनसे धक्के से काम नहीं करवाना, नहीं तो फिर वो एल्गोरिदम सटीक नहीं बैठेगा, वो वेग हो जाएगा और एब्सोल्यूट रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। किसी के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर डालोगे, फिर उसको बोलोगे काम करो, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका दिमाग जो है वो इस चीज को नहीं ये कर पाएगा। अभी चींटी खाना खा रही है, उसके आसपास तुम एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, तो वो घबरा जाती है, तो वो पैनिक करती है, उसका मोटिव नहीं भटकता, वो थोड़ी देर के बाद वापस वहां आकर के खाएगी, ठीक है। तो उनको नेचुरल बिहेवियर में डालने के लिए ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पे वो उसी तरह से चल सके, उसी तरह से अपना फूड ढूंढ सके, जिस तरह से कि वो अपनी आम जिंदगी में कर रहे हो। तो पहले तो तुमको ये स्टडी करना पड़ेगा वो आम जिंदगी में कैसे कर रहे हैं, फिर तुमको उसको लेकर के रखना पड़ेगा, फिर तुमको उनके फूड बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, और हर स्टडी करने के बाद तुमको कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि कंक्लूड किया किया हमने कि ऐसा है, तो फिर उसके बेस पे तुम उसका प्रोसेस लिख सकते हो, दिस प्रोसेस विल बी योर एल्गोरिदम। तो ये करना ना किसी एक सोल रिसर्चर के अकेले की बात नहीं है। अब अगर तुमको सपोज करो गूगल फंड कर देता है, ठीक है, या फेसबुक मुझे कहता है कि ठीक है आप डिजाइन करो जो कुछ भी आपको डिजाइन करना है, या माइक्रोसॉफ्ट मुझे कहती है कि आप डिजाइन करो, हम आपको 2 साल के लिए फंड कर देते हैं। 2 साल के लिए फंड कहने का मतलब ये है कि जो मेरा करंट एक्सपेंस है, जो मेरा करंट अमाउंट है वो, प्लस मुझे वो प्रॉफिटेबल कुछ इनकम दे, प्लस मेरे ऊपर कोई और एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए, इसके अलावा जो टीम मैं मांगू, जिस तरह की भी टीम मांगू, रादर कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो या नॉन सक्सेसफुल हो, मुझ पे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कोई क्लेम नहीं करेगा कि ये गलत है। हाँ, मेरे को अपने काम की इंप्रूवमेंट तो ऑब्वियसली दिखानी ही पड़ेगी, तो मैं एक नया एल्गोरिदम बनाने की सोच सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो एक सोल रिसर्चर जो होता है, एक अकेला इंसान जो स्टडी कर रहा है, उसके बस की नहीं होती है कि वो एक पूरा का पूरा एल्गोरिदम आर्किटेक्चर बना सके, ठीक है। तो लोग एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम आर्किटेक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं, ट्यून करते हैं, ठीक है। तो आज हम एक आधा एल्गोरिदम पढ़ के देखते, तो एक एल्गोरिदम मैं आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको उसका नाम बताता हूं। देखो देखो अगर आप देखने जाओगे ना, तो आपको पार्टिकल्स वहां मांट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन इनके ऊपर काफी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक दूसरे एल्गोरिदम पे आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, उसका नाम है आर्टिफिशियल बी कॉलोनी, ठीक है। इसको आप ए बी सी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। कुछ लोग इसको आंट बी कॉलोनी बोलते हैं, नहीं ये नहीं है। आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन इज सेपरेट एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन इज अ सेपरेट एल्गोरिदम। जिनको समझ नहीं है या जो इस बारे में कम जानते हैं, वो इसको आंट बी कॉलोनी बोलते हैं, बट ये कंप्लीटली गलत है, ठीक। तो आर्टिफिशियल बी कॉलोनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है, इसको ना 2005 में काराबोगा नाम से साइंटिस्ट थे, ठीक है। देखो मैं तो इनको साइंटिस्ट ही गिनता हूँ, जितने भी जो लोग एल्गोरिदम्स बनाते हैं, मेरे मन में इनके लिए पूरा सम्मान है, ठीक है। और मैं भी उनके नक्शे कदम पे ही चल के कोई भी एल्गोरिदम डिजाइन करता हूँ या ये करता हूँ, तो मुझे इनको सम्मान देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कहना कि एक रिसर्चर है ये गलत है, हर रिसर्चर जो एक अच्छा रिसर्चर होगा वो एक साइंटिस्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने 2005 में आर्टिफिशियल बी कॉलोनी एल्गोरिदम दिया, और इसको 2007 में जो है इसको इन्होंने पब्लिश करवाया,
ठीक है, तब से ये फिर ये पॉपुलर हो गया एल्गोरिदम की, ठीक है, आर्टिफिशियल बी कॉलोनी है, और इसके ऊपर मतलब काफी सारा कुछ पढ़ा गया, काफी सारे लोगों ने काम किया। तो इन्हीं में से जिन लोगों ने काम करा, इनमें से एक काफी पॉपुलर बंदा है, ठीक है, उसका नाम है टिम लैंडग्राफ, ठीक है। अगर आप टिम लैंडग्राफ के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि टिम लैंडग्राफ जो हैं ये बीज के बिहेवियर पे पिछले 15-17 साल से काम कर रहे हैं, और इन्होंने दुनिया भर के एल्गोरिदम्स को स्टडी किया है, और आज की डेट में ये उस पे काम अभी भी कर रहे हैं, और मतलब इलान मस्क की टेस्ला कंपनी जैसी कंपनीज के ऊपर में एबीसी को ये देने की बात कर रहे हैं या उनके लिए डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं कि आर्टिफिशियल बी कॉलोनी क्या है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है इनका ना। टेक टॉक पे जो आपने, टेक टॉक अगर आप नहीं जानते हो तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसपे बुलाया जाता है लोगों को चीजों को बताने के लिए, और जो लोग आते हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं भी जाकर के एक बार टेक टॉक पे भाषण तो दे के आऊँ, ताकि थोड़ा सा पता चले कि हाँ क्या कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर में। और जब आप इस तरह के, देखो यहाँ पे भाषण देने का मतलब या यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप, आपकी महानता की चर्चाएं हैं, वहां पे जो लोग आपको सुनने आएंगे वो खुद अपने आप में बहुत ज्ञानी होते हैं, ठीक है। जो नहीं जानते हैं वो भी आते हैं, और जो आपसे कहीं 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 ज्यादा जानते होंगे वो भी आएंगे। तो आपको कई सारी चीजों को उनके रहते हुए सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है, आपको समझने का मौका मिलेगा, और एक दूसरे के लॉजिक्स को अगर आप अपने रिसर्च में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो टिम लैंडग्राफ जो हैं ये 15 साल से आर्टिफिशियल बी कॉलोनी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल बी कॉलोनी को समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल बी कॉलोनी क्या होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल बी कॉलोनी बेसिकली बीज के फूड कलेक्शन पे है, ठीक है, जो मधुमक्खियां होती हैं इनके, इनका बिहेवियर है, तो इनके फूड कलेक्शन पे ये सारा एल्गोरिदम है, ठीक है। फूड कैसे कलेक्ट करते हैं, जो जो शहद आप खाते हो उसको इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। ये बात बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि मधुमक्खी का शहद होता है जो हम निकालते हैं, और आप डाबर हनी और ये हनी और वो हनी और इतना सारा हनी खाते हो, और जो जो ब्रांडिंग से आप जिनको जिनको पैसा भर रहे हो, वो सारी मेहनत मधुमक्खियों की है, ठीक है। तो एक मधुमक्खी जो है उसको वो अपने एरिया के 6 किलोमीटर रेडियस तक का चक्कर लगा सकती है, अगर आपको मैं इतनी सी बात बताऊं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ते हैं, फिर एबीसी के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक हम अगर बात करें कि आर्टिफिशियल बी कॉलोनी क्या होता है, तो आप ऐसे समझो कि ये फूड जब कलेक्ट करते हैं तो फूड कलेक्शन का इनका एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर को हमने आर्टिफिशियल बी कॉलोनी के तौर पर देखा या समझा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ना 3 तरह की बीज होंगी, ठीक है। एक को आप बोलोगे एम्प्लॉयड बी, दूसरे को हम बोलेंगे ऑनलुकर बी, और तीसरे को हम बोलेंगे स्काउट बी, समझ गए। तो देखो एम्प्लॉयड बी ये वो बी होगी जो फूड कलेक्शन के तौर पे काम करेगी, ठीक है, ये फूड कलेक्ट करती है, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे पहले अगर इस एल्गोरिथम को समझना है तो हमें दो वर्ड्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दूसरा होगा हमारा फिटनेस फंक्शन, समझेगी नहीं, ठीक है। एक हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दूसरा हो गया हमारा फिटनेस फंक्शन, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है और फिटनेस फंक्शन क्या होता है, देखो कोई भी काम होगा ना तो आप उससे कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो अच्छा पढ़ के आएगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। आप अपनी काम में, अपनी कंपनी में काम करते हो, या आप अपनी फर्म चलाते हो, या आप एक रिसर्चर हो, या आप साइंटिस्ट हो, तो सबका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ, वो जो आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, कि द थिंग दैट हैज टू बी अटेंड बाय द यूजर, ठीक है, यूजर या जो भी आप ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो सकता है, कि किसी भी चीज को मुझे बढ़ाना है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट मैक्स ऑफ ए मान लो मेरा कोई पैरामीटर है, ठीक है। अब अगर मेरी ए जो है वो, अगर वायरलेस सेंसर नेटवर्क की बात करो तो सपोज करो ए थ्रूपुट है, ठीक है, या अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करो तो ए सपोज कर लो जॉब एग्जीक्यूशन रेट है, समझ गए। तो ये क्या हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया कि मुझे इसको बढ़ाना है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी चीज का एरर कम करना है तो मेरा आर्ग मिन बन जाएगा।
मैंने अभी बताया ना कि या तो आप सेलेक्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, तो सेलेक्ट और रिजेक्ट किस लिए करेंगे? किसी जैसे पीछे हम क्या कर रहे थे, अगर पीछे वाले एग्जांपल पे जाओगे तो पीछे हम क्या कर रहे थे, हम एक एलिमेंट सेलेक्ट या रिजेक्ट कर रहे थे ताकि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो कम हो जाए, सीधी सीधी सी बात है। तो वहां पे हम क्या लगा रहे थे, वहां पे हम आर्गमिन लगा रहे थे, आर्ग्यूमेंट का मिनिमम, कौन से आर्ग्यूमेंट का, जो मेरा पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गमिन ऑफ ए हो गया, अगर ए मेरा कोई ऐसा पैरामीटर है जिसके घटने से मुझे फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी इंप्लॉयड बी है, इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है कि हाई क्वालिटी फूड को प्रोड्यूस करना है, हाई क्वालिटी फूड लेकर के आना है, ठीक है। अच्छा फूड ये जितना लेकर के आएगी ये उतना अच्छा शहद इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। आर्टिफिशियल बी कॉलोनी का काम सिर्फ फूड इकट्ठा करना नहीं है, इनका एक जो लॉजिक है मैं अभी बताऊंगा, आपको इतनी हैरानी बनेगी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। फिर जब मैं उसका कनेक्शन बताऊंगा तो आप मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अभी समझाता हूँ वो, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम या तो आर्ग्यूमेंट मिनिमम, यानी मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होगा जो तुमको अचीव करना है। और फिटनेस फंक्शन क्या होगा, जैसे सपोज करो कि तुम मार्केट जाते हो, ठीक है, नाउ यू हैव टू बाई फ्रूट्स, सिंपल बात, ठीक है, आपको फ्रूट खरीदना है। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा कि एक सर्टेन बजट के अंदर में आपको अच्छे अच्छे बनाना चाहिए, बराबर। तो आपका फिटनेस फंक्शन क्या होगा कि एक तो आपके उस बजट में फिट होना चाहिए और बनाना खराब नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो हमारे फिटनेस फंक्शन में ये दो पैरामीटर हो गए। अगर आप एक साथ दो पैरामीटर्स को कंसिडर करते हो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ पैरामीटर्स को कंसिडर करते हो तो आपका जो एल्गोरिदम है वो हो जाता है मल्टी ऑब्जेक्टिव। देखो कितना आसान है ना, चूंकि बस हमको पता नहीं होता ना, तो इसके बारे में सुन सुन के ही डरते रहते हैं, इससे इंटरेस्टिंग एरिया कोई है ही नहीं ऑप्टिमाइजेशन से ज्यादा, ठीक है। सो हमारा मल्टी ऑब्जेक्टिव कब कहलाएगा, जब मुझे एक साथ दो चीजों को देखना है। आप कहोगे सौरभ एक साथ दो कौन सी चीजों को देखना होगा, जैसे सपोज करो, देखो मैं हर बार कहता हूं ऑप्टिमल होने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी चीज को बिल्कुल ही बढ़ा दो। डार्विन वॉटसन मेथड हमारा जो है उसके हिसाब से तो मुझे यहां रखना है, ठीक है ना, यहां भी नहीं होना चाहिए एक्सट्रीम मैक्स भी और एक्सट्रीम मिन भी नहीं होना चाहिए, हम दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी भी ऐसे ही आती है, ठीक है, अगर तुम समझने जाओगे तो पता चल जाएगा डार्विन कौन थे, उन्होंने लाइफ की बहुत सारी थ्योरीज दे रखी है, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि सपोज करो कि अगर मैं क्लाउड में काम कर रहा हूं तो मैं क्लाउड में क्या कहूंगा कि जॉब एग्जीक्यूशन रेट जो है ये मेरा हाई होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को ज्यादा रेट पे मतलब जल्दी जल्दी मेरा जॉब कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन मेरा पावर कंजम्पशन जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एक डेल्टा पी रख लो, ये थ्रेशोल्ड हो गया। तो मेरे दो कंडीशन हो गए ना कि जो जॉब एग्जीक्यूशन रेट है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा जे, और जो पावर कंजम्पशन इट शुड लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा पी। तो मेरे दो ऑब्जेक्टिव एक साथ फुलफिल होने चाहिए तभी मेरा ये एक फिटनेस फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा ये मल्टी ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक। तो फिटनेस फंक्शन क्या होगा कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पूरा करता हो, मतलब कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिगड़ जाए, समझ रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और फिटनेस फंक्शन ये हो गए, ठीक। तो इंप्लॉयड बी के पास ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी होगा और इसका अपना फिटनेस फंक्शन भी होगा, समझ गए। तो अब क्या हुआ कि सपोज करो कि मेरे पास पूरी बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, ठीक है, ये मेरी मधुमक्खियां होगी। तो हमारे पास इतनी सारी मधुमक्खियां, इसमें से ये वाली एक सपोज करो ये एक मेरी मधुमक्खी है जो फूड लेने के लिए जा रही है, तो जो फूड लेने के लिए जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लॉयड भी, ठीक है। अब चूंकि हम पहले से जानते हैं कि जो हमारा स्वार्म इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम है ये ग्रुप में काम करता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली बी जो है ये इन बीज के साथ में ग्रुप हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अपने एरिया को सर्च करने के लिए जाएंगे, तो सपोज करो ये सारे एक एरिया में सर्च करने के लिए गए फूड को, ठीक है। फिर इनको क्या करना है, ये यहां से फूड उठाएंगे, ये अब ये फ्लावर्स से इनका नीचे से पल्प निकाल करके लेके जाते हैं या फ्लावर्स की पत्तियां भी लेकर के जाते हैं, इससे भी वो जूस बनाते हैं। तो ये यहाँ पे इम्प्लॉयड भी पहुंचेगी और ये इम्प्लॉयड भी तुम्हारा यहाँ से फूड अपना कलेक्ट करेगी, ठीक है। जब ये फूड कलेक्ट करेगी तो ये वापस जाएगी अपने हाइव की तरफ, ठीक है। जब ये हाइव की तरफ जाएगी तो इसका ये जो फूड होता है ना ये डायरेक्टली सबमिट नहीं होता, इसको पहले ऑन लुकर भी जज करती है, समझ गए। ऑन लुकर भी कौन सी होती है, एक वो भी जो तुम्हारे इंप्लॉयड भी का फूड जज करेगी, ठीक, यानी कि उसके फूड को देखेगी कि ये फूड हमारा खाने योग्य है या रहने योग्य है कि नहीं। इसके अलावा इसके अंदर में ना एक क्वीन भी होती है, उसका कोई काम नहीं है, उसका काम है सिर्फ एग्स ले करते रहना, ठीक है, और
आराम करना, ठीक है। ये जो सारी बीज हैं बाकी, वो सारी अपने क्वीन बी को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ऑन लुकर बी हो गया, ऑन लुकर बी क्या करेगा, इसके फूड को जज करेगा कि इसका फूड है कि नहीं, और इसके पास में एक फूड की बकेट होगी। इसको अभी इनका बकेट अपने हिसाब का होगा, ठीक है, ऐसे अभी तुम मान लो, ठीक है। तो अगर अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था कि मुझे अच्छी क्वालिटी का फूड चाहिए, तो अगर ऑन लुकर बी का थ्रेशोल्ड जो है ना वो बड़ा है, ठीक है, जो इंप्लॉयड बी का फूड है, तो ये क्या होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे फिटनेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है, अगर ये ठीक है, तो क्या होगा, इस फूड को ऑन लुकर भी अपने बकेट के अंदर में रख लेगी, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल जगहों से बीज आ रही होंगी, ठीक है, ये भी इस ऑन लुकर बी को टेस्ट कराते रहेंगे। तो देखो ना, जब सबसे अगर तुम पहली बार मान के चलोगे, जब फर्स्ट टाइम हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कोई भी चीज को, तो जब फर्स्ट टाइम होगा तो जो ऑन लुकर बी है इसका जो बकेट होगा ये तो एम्प्टी होगा ना, इसमें तो पहले से कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट बी का फूड होता है वो एक्सेप्ट ही होता है, क्योंकि हमारे पास जो थ्रेशोल्ड है वो अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। तो इसमें बीज ने अपना फूड कलेक्ट करना शुरू किया। अब अगर अगर एक बी का फूड एक्सेप्ट हो जाता है, तो ये बी क्या करती है, ये बी जाती है वापस फूड सर्च के लिए। ये एक्सेप्टेड बी है, ठीक है, जिसका फूड एक्सेप्ट हुआ है, तो ये वापस फूड सर्च के लिए जाएगी, ये वापस यहाँ से फ्लावर से निकाल करके लेके आएगी। अब तुमको जान के ये हैरानी होगी कि अब इसको अपना ही फूड, जिसके बेस पे ये ऑन लुकर भी अपना थ्रेशोल्ड बना रही है, इसको अपना ही फूड एक्सेप्ट कराने के लिए इसको दोबारा वैलिडेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके पास बकेट के अंदर में ना बहुत जगहों से फूड आ गया। और जैसे जैसे फूड इसमें आते जा रहा है, तो इसमें नेचुरल प्रोसेस भी, नेचुरल डिकम्पोजिशन भी हो रही है, तो इस फूड की जो क्वालिटी है ना वो कुछ कुछ चेंज होते जा रही है। तो ऑन लुकर बी के पास ना उसी तरह का जजमेंट फिर बैठते जाएगा, और जब ये फूड बकेट या तो भर गई, ठीक है, तो ये प्रोसेस रुकता है, या तो फिर तुम्हारी सारी की सारी इंप्लॉयड बी थक गई। तुम कहोगे थकेगी कैसे, इतना कौन सा ये काम कर रहे हैं। तुम देखो, एक एम्प्लॉयड भी क्या कर रही है, यहां से आ रही है, यहां तक जा रही है, फिर यहां से फूड इकट्ठा कर रही है, और फिर वापस यहाँ पे आ रही है। इतनी दूर उसको फ्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे पेनेट्रेट करना पड़ता है उसको अपने सूंड को, ताकि वो इसका पल्प निकाल सके या इसमें से अच्छा क्वांटिटी का फूड निकाल सके। दूसरी बात यह कि इसको फूड के लिए सर्च भी तो करना पड़ता है ना यार, एग्जॉस्ट होती है ना ये, तो ये थकेगी। तो जब ये थक जाती है, जब हमारी करेंट एम्प्लॉय भी, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये एम्प्लॉयड भी थी, ये फूड ले आ करके अब ये थक चुकी है, तो जब ये थक जाएगी तो क्या करेगा ऑन लुकर भी, इसका जो ऑन लुकर भी को मालूम है कि इसका फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसको बोलेगी कि ये फूड तो रिजेक्ट है, बट तुम आराम करो, गो टू योर स्काउट फेस। मतलब स्काउट फेज में कोई भी कुछ कर नहीं रही है। इसके और भी डेफिनेशंस हैं, मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। स्काउट फेज के अंदर में तुम्हारा एम्प्लॉयड भी कुछ कर नहीं रहा, तो जो सपोज करो E1 मेरी एम्प्लॉयड भी थी, अगर E1 अभी वर्किंग थी और O1 इसको ऑब्जर्व कर रही थी या इसके ग्रुप को ऑब्जर्व कर रही थी, एंड E1 जो है वो रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, तो E1 स्काउट बन जाएगा। और ये जो O1 है, जो करंट ऑन लुकर है, ये क्या करती है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, अगर हम अब ये एम्प्लॉयड भी तो ये थक गई ना, तो इसको रेस्ट चाहिए, ठीक है, तो मेरा सपोज करो स्काउट बी का एक फेज है, यहाँ पे ई वन आ गई, तो मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो रिजेक्ट हो गई। अब तो इसकी जगह पे अगर तुम कोई दूसरी नई फ्रेश बी हाइव से बोलोगे कि तू जा वहां से फूड लेके आ, तो उस फ्रेश बी को अभी तक के करंट आए हुए फूड्स का अंदाजा नहीं है। वो अंदाजा किसके पास है, वो इस ऑन लुकर बी के पास है। ऑन लुकर बी जानता है कि अभी तक मेरे पास किस तरह का फूड आया है, तो जो अभी ऑन लुकर बी थी ये कन्वर्ट हो जाएगी एम्प्लॉयड बी के अंदर में, और फिर ये फूड सर्च करने के लिए जाएगी। तो तुमको कि ऑन लुकर बी की कुर्सी कौन भरेगा, तो ऑन लुकर बी की कुर्सी वो नई वाली बी भरेगी जो हाइव के अंदर बैठी है। जितनी देर ये ऑन लुकर बी सर्च करेगा, ये जो नई वाली बी है, ये जो एग्जिस्टिंग फूड है उसको स्टडी करेगी, ताकि उसको पता चल जाए कि मुझे किस तरह के फूड को एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये प्रक्रिया तब तक चलते रहती है। देखो, ये ऐसा नहीं सोचते कि तुम्हारा फूड रिजेक्ट हो गया तो तुम काम नहीं कर रही हो, इनके मन में वो पाप नहीं है ना कि काम दे दिया तो ठीक है कल करेंगे, नहीं परसों करेंगे, नहीं तरसों करेंगे। उनकी रोज की ड्यूटी है, कोई मर रहा है तो, कोई जी रहा है तो, उनकी ड्यूटी है, वो बहुत कमिटेड है, ठीक है ना। आप जो कहते हो ना कि मोटिवेशन है, बंदा आज बड़ा मोटिवेशन है, मोटिवेशन क्या होता है ना भाई, क्षणिक होता है, ठीक है, आज भर के लिए है। किसी ने तुमको आज कुछ कह दिया, ठीक है, तुम्हारी किसी किसी ग्रुप में तुमको किसी ने अब्यूज कर दिया, या फलान डिमकान तुम्हारे बारे में बोल दिया, ठीक है, तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर को लेके बोल दिया, तो तुम आज चिढ़ जाओगे, कल से कहोगे मैं जिम जाऊंगा, ठीक है, कल तुम गुस्से गुस्से में जिम भी लगा लोगे, परसों तुम्हारे दर्द होगा, तरसों तुम छोड़ दोगे। इसलिए मोटिवेशन जो होता है ना वो बहुत थोड़ी देर का होता है, तो कंसिस्टेंसी बरतनी पड़ती है।
जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं अपने काम को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के, या जिस भी चीज में वो हैं, ठीक है, अब वो ही आगे जाते हैं। मोटिवेशन नाम से कुछ भी नहीं होता है, चाहे दुनिया के जितने भी मर्जी सक्सेसफुल लोगों को देख लो आप, वो कहते हैं मोटिवेशन इज नथिंग, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, तुम्हारे अंदर के हार्मोन्स का पंप है। तो तुम कहोगे मोटिवेट, तुम्हारी कोई तारीफ कर देगा, आज मैं मोटिवेटेड हुआ, जी भी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन हमेशा तारीफ तो नहीं होगी। तो इसलिए हमारे बिहेवियर को छोड़ करके हम चींटी हाथियों के बिहेवियर को देखते हैं, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट इन देयर ड्यूटीज, ठीक है। तो यहां पे एक बेसिक बेसिक आर्टिफिशियल बी कॉलोनी खत्म हो। हाँ, अभी क्या है, ये वैसे नहीं सोचते कि ये काम नहीं कर रहे इसलिए इसका फूड रिजेक्ट हो गया, उसको समझ में आता है कि एक बी इतनी दूर जा रही है, आ रही है, फूड कलेक्ट कर रही है, देख रही है, और वो रख रही है, तो वो थकेगी, उसको आराम करने दो, ठीक है। एक थ्योरी तो ये कहती है, ठीक। दूसरी थ्योरी जो तुम पढ़ोगे कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स में, होता है बी डांस, ठीक है। बी डांस जो है वो बीज की जो एक हाइव एरिया है, ठीक है, जिनको जो जो एम्प्लॉयड बी है, ठीक है, जो खाना लेने गई है, ठीक है, अब ये जश्न मनाते हैं वापस आके कि हमारा खाना अच्छा है। अगर किसी बी को ऐसा लगता है कि उसका फूड बहुत अच्छा है, तो वो इस एरिया में डांस करना परफॉर्म करती है, ठीक है। कोई स्काउट भी जो आराम कर रही है उसकी मर्जी पे है, या तो वो इधर कंट्रीब्यूट कर सकती है, यानी कि जो रेस्ट में गई है, नाउ इट्स अप टू हर और अप टू हिम कि हाँ ठीक है वो उठे और जाकर के काम करे, अगर तुम्हारे काम नहीं पूरे हुए तो। ऑब्वियसली अगर काम पूरे हो गए हैं तो वो रेस्ट करेगी, वो आगे नहीं उसको प्रोसेस करेगी, लेकिन अगर काम नहीं है तो वो क्या है, वो डांस को भी एंजॉय कर सकती है या फॉलो कर सकती है जो लोग के लिए, या जाकर के खुद फूड लेने के लिए जा सकती है बेस्ड ऑन देयर पॉलिसीज, ठीक है। तो ये डांस करते हैं, तो इसको बोलते हैं बी डांस। बी डांस का मतलब ये होता है, अगर बी डांस तुम्हारा बड़े पॉपुलेशन में हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा सक्सेस रेट हाई है। अगर छोटे पॉपुलेशन में हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस रेट लो है, ठीक है। अभी देखो आर्टिफिशियल बी कॉलोनी का एक और बिहेवियर है, मैंने तुमको दो बिहेवियर समझा दिए, एक बिहेवियर तो ये हो गया, एक बिहेवियर तुम्हारा बी डांस हो गया, एक और बिहेवियर है बहुत 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 इंटरेस्टिंग। देखो ये क्या करते हैं, जो ये बीज हैं, इनको भी भूख लगती है, ऑब्वियस सी बात है ना, ये खाना तो अपनी, ये शहद हमारे लिए थोड़ी इकट्ठा कर रहे थे बेचारे, ये खुद के लिए इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर इसको एक मक्खी को भूख लगती है, एक बी को भूख लगती है, तो उसको अपने हाइव में पूरा अंदर जाना पड़ेगा, वहां पे जो स्टोर फूड है उसको निकालना पड़ेगा और फिर वो खाना पड़ेगा। तो इनके बीच में ना एक एक्सचेंज पॉलिसी चलती है। सच में ये क्या करते हैं, जैसे एक बी थक गई तो एक बी क्या करती है, उसके मुंह में अपने पेट में से स्टोर्ड फूड निकाल करके दे देती है, अगर उसके पास इतनी क्षमता है तो, कि वो दूसरे बी को फीड करा सके। इस बी को भूख लगी, जिस बी को भूख लगी इसके नियर बाई में एक दूसरी बी है, ठीक है, ये इसके पास गई, ज्यादा दिन हाइव मेरा यहां पे था, ये इतना ट्रेवल करके यहां जाती, इसके बजाय इसने क्या किया, यहां से यहां गई, और इस वाली मधुमक्खी ने उसके मुंह में एक ड्रॉप डाला और इसका बैटरी चार्ज हो गया, मतलब इसकी एनर्जीज को वापस मिल गई और ये वापस ड्यूटी पे चली गई। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट अगर मैं तुमको ऐसे समझाऊं कि कल सपोज करते हैं, या आज से 10 साल के बाद सपोज करते हैं कि हमारी सारी दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स पे चलने लगी, हो सकता है ना यार। देखो ना भाई, थोड़े दिन पहले तक हम पेट्रोल कार डीजल कार दोनों देख रहे थे, अब तुम देखने जाओ कंपनीज जो हैं वो डीजल कार बंद कर रही हैं। डीजल कार देखो, मारुति सुजुकी इंडिया में डीजल कार प्रोड्यूस नहीं करती, अब टोयोटा डीजल कार नहीं प्रोड्यूस करती, इनका पेट्रोल मॉडल ही आता है। धीरे 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 धीरे, पहले ऐसा पेट्रोल से पावर नहीं मिलता था, तो अब ऐसे ऐसे टर्बो चार्ज्ड इंजन तुमको दिए जा रहे हैं जो इतना पावर प्रोड्यूस करें कि तुमको डीजल गाड़ी की कमी ना खले, तो कस्टमर को वो सेटिस्फाई रख ही रहे, बट धीरे 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 डीजल कार बंद हो रहा है, और हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं हो रही क्योंकि हमें उसके बदले सुविधाएं मिल जा रही। इसी तरह से मेरे बंधु, कल को होकर के ना पेट्रोल कार भी बंद हो जाएगी, तो हमें मिलेंगी इलेक्ट्रिक कार्स। अब तुम देख रहे हो मार्केट भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक कार्स की सब्सिडीज मिल रही है। चलो बहरहाल हम एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं, ठीक। इस सिचुएशन में हमारे पास सपोज करो कि एक एरिया है, और इसमें इस एरिया के अंदर में सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे भी है, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है सपोज करो सौरव की, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है ये सपोज करो ये पंकज भाई की है, ठीक है, और तीसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये कबीर की है, ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। और ये तीन लोग अलग अलग एरियाज में रहते हैं, ठीक है। तो कबीर क्या हुआ, कबीर ना अपनी गाड़ी रात को चार्ज करना भूल गया, समझे। कबीर के पास जो कार है, कबीर ने अपनी गाड़ी को चार्ज नहीं किया, लेकिन ऑफिस तो कबीर को भी जाना है, तो कबीर घर से, चूंकि सुबह अब उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो कबीर घर से अपने ऑफिस के लिए निकल गया, ठीक है।
यहाँ उसका ऑफिस यहाँ पे है, जबकि कबीर की बैटरी यहाँ तक चल सकती है। अगर वो ऑफिस लेट पहुंचा तो यहाँ पे उसकी मीटिंग खराब हो जाएगी, ठीक है ना? या उसको आधे रास्ते में कुछ ऐसा ध्यान में आता है, तुम भी कई बार घर से निकलते हो तो कहते हो ना कि मेरा पेट्रोल रह गया यार, पेट्रोल भरवा लेते हैं कहीं। तो अब अगर वो बीच में स्टेशन पे रुक करके पेट्रोल, या वो स्टेशन उससे बहुत दूर हुआ, ठीक है, तो उसको समय लग जाएगा, गाड़ी के अंदर चार्ज करने की कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सौरभ आया, ठीक है, सौरभ ने अपने कार से कबीर की कार को चार्ज कर दिया। तुम कहोगे ऐसा कैसे, गाड़ी से गाड़ी कैसे चार्ज हो जाएगी? मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे यार, आप आज रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दुनिया में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आपके फोन के पीछे एक आप दूसरा डिवाइस लगा देते हो, अगर आपके फोन में वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी है तो वो दूसरे डिवाइस को चार्ज कर देती है, तो गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्यों नहीं चार्ज कर सकती? हाँ, अब तुम कहोगे कि इसमें इसमें ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है ना, कि एक जो गाड़ी है वो ऑटो पायलट पे आ जाएगी, इसके ऑब्वियसली कुछ मैकेनिज्म होंगे, क्योंकि अगर तुम मैन्युअली करने जाओगे तो अगले की गाड़ी ठोक दोगे, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑटो पायलट की कार होगी और दूसरी कार इसके ठीक पीछे पीछे लगेगी, ठीक है, और इसको समहाउ इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करके दे देगी, ठीक है। ये अगर तुम कॉन्सेप्ट देखने जाओ तो यहाँ पे एक तो कबीर का समय बच गया, कबीर अपनी मीटिंग से लेट होने से बच गया, और सौरभ को, अगर सौरभ एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है इस चीज का, अगर सौरभ बैटरी चार्जेस देने का काम करता है, तो सौरभ को इसके पर्क्स मिल सकते हैं ना। मतलब सौरभ के पास छह, मान लो ये बिजनेस प्रपोजल सोच के देखो कि सौरभ के पास 600 गाड़ियां हैं और शहर की 6,000 गाड़ियों को सौरभ की कार्स बैटरी सप्लाई कर रही हैं रिमोट लोकेशंस पे, तो सौरभ को पर्क मिल सकता है ना, सौरभ को बेनिफिट हो सकता है, और सौरभ हर बार अपनी कार्स को चार्ज कर ले, क्योंकि उसका बिजनेस ही यही है। तो हुआ ना, अभी देखो ना, एक मधुमक्खी के एक ड्रॉप से उस मधुमक्खी का अभी का काम चल गया और वो वापिस काम पे चली गई और उसका समय बच गया। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग नहीं गया मेरे भाई? ये जो हमारे टिम लैंडग्राफ सर है ना, ये 15 साल से 20 के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और इस चीज के लिए, हाँ ऑब्वियसली ये जो एल्गोरिदम बना रहे हैं या जो बनाने के, इसको किसी कमर्शियल कंपनी ने खरीदना चाहिए, किसी कमर्शियल कंपनी का इस पे ध्यान जाना चाहिए, और जिस तरह का इन्वायरमेंट चल रहा है सर का बिक ही जाएगा, कहीं ना कहीं लग ही जाएगा, मेरा भी बिकता है, मेरा भी लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो कमर्शियल एस्पेक्ट की कंपनी है, मेरी मेरे एल्गोरिदम्स को जापान की कंपनी ने खरीदा था, ठीक है, मैंने मशीन लर्निंग का उनके लिए एल्गोरिदम डिजाइन किया, वो जापान की कंपनी में चलता है, ठीक। तो मेरे कुछ टर्म्स है जिसकी वजह से मैं उसका नाम नहीं ले सकता, ठीक, चलो। तो बहरहाल अभी क्या है कि ये एल्गोरिदम जो लिखा ना, वो किसी, अब तुम कहोगे एल्गोरिदम लिखा तो दूसरी कंपनी देखेगी, उनका प्लेटफॉर्म अलग होगा, तो उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से तुम्हारा एल्गोरिदम फिट किया जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि एल्गोरिदम डिजाइन करना है, कोड नहीं होता, कोड तो किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग कोड होगा, समझ गए? तो अगर तुम यहाँ पे देखने जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या यूज हो रहा है, हमारे पास IoT यूज हो रहा है, ये एक डिवाइस अलग है, ये एक डिवाइस अलग है, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे वायरलेसली, अगर वायरलेस सेंसर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन आ गया, चूंकि मेरे को बैटरी की ऑप्टिमैलिटी पे काम करना है, या मुझे सौरभ से ही बैटरी क्यों लेनी चाहिए? अब अगर ये कमर्शियल प्रोजेक्ट बनेगा तो सौरभ के अलावा बनेगा तो सौरभ के अलावा रघु भी होगा, है ना, अक्षत सर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अक्षत सर कौन है, अक्षत गुप्ता एक राइटर है, ठीक है, वो माइथोलॉजीज पे काफी कुछ लिखते हैं, और इस बंदे की नॉलेज, मतलब यार बहुत फाड़ नॉलेज रखता है ये आदमी। जो आप सुनो द रणवीर शो में इनका एक पॉडकास्ट है, अगर आप उनको सुनोगे तो ही इज वेरी 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 स्मार्ट, स्मार्ट इन द सेंस बहुत अच्छे, इतना काम, इतना कंपोज पर्सन है, इनको देख के इज जस्ट एन इंस्पिरेशन, ठीक है। तो इनको देखो, आप समझो आप भी देखोगे, तो सपोज करो अब अक्षित सर हैं, ठीक है, तो अक्षित सर भी इस, सपोज करो इस मार्केट में काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मेरा और अक्षित सर का कॉम्पिटिशन होगा ना, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, रेप्यूटेशन मैनेजमेंट अगेन, फिर हमारी वही घूम फिर के सारी कहानी। तो इंजीनियरिंग मेरे भाई ऐसे ही है, एक का फायदा होता है, एक टेक्नोलॉजी में फायदा तुम क्रिएट करते हो तो वो दूसरी टेक्नोलॉजीज को भी तुम्हारे देता है, कोरिस्पोंड करता है, चीजों को इनकॉर्पोरेट कराता है, ठीक। तो मेरा ख्याल है स्वाम इंटेलिजेंस आपको कुछ कुछ हद तक समझ में आया होगा, समझ में आया होगा ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, स्वाम में काम करने का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल बी कॉलोनी के बारे में मैं जितना इतनी ये देर में कवर कर सकता था उतना किया है। स्वाम अगर पढ़ना हो ना तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर के लिखिए, आप स्कॉलर पे भी लिख सकते हैं कि मुझे स्वाम इंटेलिजेंस पढ़ना है। अब अगर आप देखेंगे गूगल की पूरी बुक स्वाम इंटेलिजेंस के ऊपर उपलब्ध है, इसमें स्वाम के बारे में बेसिक समझाया हुआ है, स्वाम क्या है, कैसे काम करता है, और कहां से आया,
ठीक है ना। देखो ना, द मैकेनिक्स ऑफ लाइफ एंड थॉट, यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ लाइफ एंड थॉट का क्या मतलब है, यानी कि जो मैं बोल रहा था, द गेम ऑफ लाइफ, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो मैं कहता हूँ और जो बुक्स में लिखा हुआ है वो कुछ कुछ तो एक जैसा ही है। अगर तुम्हारी समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, ठीक। स्वाम इंटेलिजेंस में और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, सबको एक बार में कवर कर पाना संभव नहीं होता मेरे बंधु, ठीक है। लेकिन अभी इसके बाद हम एक जो लेक्चर लेंगे, जो अगला लेक्चर आएगा, वो इसी चीज के ऊपर आएगा कि स्वाम इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन किसी इंडस्ट्री में कैसे हुआ है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल तो तुमको समझा ही दिया, बट अब हम अगली बार अगले लेक्चर के अंदर में इसको किसी पेपर से भी रेफर कर लेंगे, पेपर पे भी देख लेंगे कि पेपर पे कैसे दिया हुआ है, कैसे काम किया हुआ है और कैसे चला हुआ है, ठीक।